नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो हमारा टिड्डी मल है, जिसको ट्रूडो बोला जाता है, वैसे तो उसका नाम पंजाबी में टिड्डी मल बोलते हैं उसको, ये जो टिड्डी मल है ये पागल हो गया है। और पागल कब हुआ है, ये टाइमिंग हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस हारी है, बीजेपी की जीत हुई है, ये सारे लोगों का आप देखिए पागलपन छा गया है। सदमे में है राहुल गांधी, उसके पीछे से एक जलेबी निकल रही है, आगे से चाशनी निकल रही है जो जलेबी में भरी जाती है। और ये सारे का सारा जो डीप स्टेट है, इसके ये समझ नहीं आ रहा कि जो इनका प्लान था कि जैसे शेख हसीना की गवर्नमेंट को इन्होंने घेरना था, उसी तरीके से इन्होंने मोदी जी को भी घेरना था, क्योंकि जो हरियाणा का बॉर्डर है उसको खोल देना था इन्होंने खालिस्तानियों के लिए। और ये सारे खालिस्तानी पहुँचते दिल्ली में, और दिल्ली में जाकर ये मोदी जी के घर को घेर डालते और वहाँ पर या तो मार देते या उन्हें भागने के लिए मजबूर करते। सनातनी कभी भागता नहीं है, फेस ही करता है। तो इनका जो सारा प्लान था जब चौपट हो गया है, अब इनको लगता है कि भाई ये क्या हो गया, हमारा तो सारा प्लान धरा का धरा रह गया है, पागलपन पे आ गए। डिप्लोमेटिक लड़ाई शुरू हो गई है कनाडा और भारत के बीच में, ये तो आप सबको पता है। लेकिन मुद्दा ये डिस्कस करने के लिए हम नहीं बैठे, मुद्दा ये है कि क्यों हो रहा है वो भी बता दिया आपको। तो रह क्या गया, रह गया है बीच में जो डीप चीज़ें हैं, जिसके लिए हमने उमेश जी को अब दोबारा से इनवाइट किया है, और टिड्डी मल की कुछ चीज़ों को आज उजागर करेंगे कि ये पागलपन क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन भी क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन आना बड़ा ही जरूरी है। तो उमेश जी, जय श्री राम। जय श्री राम। उमेश जी, ये जो पिंग पोंग शुरू हो गई है दोबारा से कैनेडा के साथ, निज्जर को मरे हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है, बिल्कुल ठंडे बस्ते में काम चला गया था, और इन्होंने दोबारा से ये चीज़ को इस वक्त आकर क्यों छेड़ा गया है, इसका पीछे पर्पस क्या है, पहले तो वो समझाइए। देखिए, 2 दिन पहले हमने आरएसएस ने अपनी 99वीं वर्षगांठ बनाई थी। 1925 में एस्टेब्लिश हुआ था आरएसएस, और 2024 में इसके 99 वर्ष पूरे हो गए हैं, और 1 साल तक ये लोग अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं, मना रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे ही ये स्टार्ट होगा, आरएसएस के ऊपर एक अटैक चालू हो जाएगा। अगर आप देखेंगे जो कनाडा में जो न्यू डेवलपमेंट पार्टी है, जिसको सपोर्ट करते हैं, जिसको पहले सपोर्ट कर रही थी ट्रूडो गवर्नमेंट को, जगमीत सिंह, उन्होंने बोला है कि कनाडा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तंत्र को आप उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दीजिए। और उन्होंने क्या किया कि ये निजर का जो जिनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, उसके लिए उन्होंने हमारे हाई कमिश्नर और उसके बाद एनएसए के अजीत डोभाल और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को भी इम्प्लीकेट कर दिया था। उनकी जो रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस है, उन्होंने रिपोर्ट निकाली है, वो बोलते हैं हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है। और वही बात सब लोग एक ही सुर में सब लोग यही बात कर रहे हैं। देखिए, निज्जर एक आतंकवादी है, वो कनाडा में शेल्टर लिया हुआ है, पंजाब में उसके पास केस चल रहे हैं, एक सिनेमा घर में बम ब्लास्ट करवाया है, उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो भारत से भागा हुआ भगोड़ा को कनाडा उन लोगों को अपने यहाँ एसलम दे रहा है, उनको शरणार्थी का स्टेटस दे के उनको अपना सिटीजन बता रहा है। तो मतलब ये इंटरनल अफेयर्स में तो कनाडा अब से नहीं, बहुत सालों से कर रहा है, 1990 से कर रहा है मेरे ख्याल से, जब से जो उस समय जो मिलिटेंसी जो हाइट पे थी, 90 से भी नहीं 80 से कर रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि 1985 में जो कनिष्का प्लेन बॉम्बिंग हुआ था, जिसमें 329 कैनेडियंस मारे गए थे, उसका जो मास्टरमाइंड था तलविंदर सिंह परमार, उसको जस्टिन ट्रूडो के पिताजी ने शरण दी थी। तो पिताजी ट्रूडो की जो क्या बोलते हैं जो उनके नक्शे कदम पे चल के जस्टिन ट्रूडो भी चालू हो गए हैं कि वो भी, उन्होंने भी निजर को शरणागत स्टेटस दे दिया।
और उसके बाद आपने देखा है कि जब उनको उनकी हत्या हो गई थी वो किसने की हमें नहीं मालूम, और उसके बाद उधर की सीक्रेट सर्विस, उधर की जो रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस है, दे हैड स्टार्टेड ब्लेमिंग आवर होम मिनिस्टर, आवर अजीत डोवाल एंड द हाई कमिश्नर। तो कल एक एस्केलेशन हो गया था जिसमें इंडिया ने अपने हाई कमिश्नर बुला दिए थे और कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया था। तो एक तरह से डिप्लोमेटिक टसल हो रही है। और कनाडा क्यों कर रहा है ये थी? कनाडा इन आइसोलेशन कर रहा है या यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पे कर रहा है, ये सोचने वाली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कनाडा अकेला कर रहा है या अमेरिका इज ऑन द सेम पेज? This was my thought also, कि क्या है पीछे गेम? ये देखिए, पन्नू के ऊपर भी अमेरिका ने एक्यूज किया है कि इंडिया के एक सीक्रेट ऑपरेटिव ने उनके देश में आके पन्नू की हत्या करने की कोशिश की थी। पन्नू वो आदमी है जिसने सिक्स फॉर जस्टिस नाम का एक फोरम बना के रखा है, तो दुनिया भर में रेफरेंडम कराता रहता है कि हमें अलग से खालिस्तान चाहिए। वो रेफरेंडम कराता है यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर बाद में यूके में, फिर कनाडा में, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। ये पांचों कंट्रीज 5 आईज ग्रुप की है, जो एंग्लोस्पियर बोलते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। ये मेरे ख्याल से ये जो बाकी 4 कंट्रीज है ये यूएस के एक्सटेंडेड वसाल स्टेट्स है। इनकी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, जो भी व्हाइट हाउस से बोला जाता है ये लोग करते हैं। और पन्नू ने ऑन रिकॉर्ड जाके बोला है कि वो भारत के सेपरेटिस्ट जो असम में हैं, तमिलनाडु में हैं, कश्मीर में हैं, उन लोगों को वो सपोर्ट करेगा, नॉर्थ ईस्ट में भी सपोर्ट करेगा। सिमिलरली आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आगे जाके बस पन्नू ने पहले भी बोला था कि हम आपकी पार्लियामेंट को उड़ा देंगे। आप सोचिए, इतना बड़े स्टेटमेंट दे रहा है वो और अमेरिकन सरकार कुछ भी नहीं कर रही। अगर इंडिया में बैठ के कोई टेररिस्ट, कोई एक संस्था वो बोलता है कि मैं व्हाइट हाउस को उड़ा दूंगा, मैं पेंटागन को उड़ा दूंगा, क्या करेगी यहाँ पे? यहाँ की इन दिल्ली में जो अमेरिकन एम्बेसी है वो बोलेगी भारत के गवर्नमेंट को, आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए। भारत ने इतनी बार बोलने के बावजूद भी वो स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। तो अमेरिका की जो CIA है, सीक्रेट सर्विस है, इन सबका डायरेक्ट सपोर्ट है। तो मेरा ये मानना है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट डाल रहे हैं जिसमें ये लोग इंडियन लीडरशिप को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, होम मिनिस्टर को ब्लेम करना इज कमिंग डायरेक्टली, इट इज एन अटैक ऑन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। और जैसे ही 100वें वर्षगांठ होने वाली थी तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि RSS के ऊपर अटैक होगा, हमारे जो भी आइकॉनिक लीडर्स है उनके ऊपर अटैक होगा, और हमारे जो भी मैस्कट है, हिंदुत्व मैस्कट है, उनके ऊपर भी अटैक होगा। एक ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी है जिसमें ये लोग काम करते हैं एक्सटॉर्शन का, ये लोग काम करते हैं सारे इलीगल काम करने का, और ब्लेम कर रहे हैं हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ रेजिम चेंज। CIA का प्लेबुक है, एक दो उनके चैप्टर्स है, 108 वेज टू डू रेजिम इंटर टू डू रेजिम चेंज। तो ये मेरा मानना है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये CIA और टिडिमल ये दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि कैसे भारत में दोबारा से गन डाला जाए, रजीम चेंज किया जाए। उसके लिए ये जो मुद्दा है इन्होंने उठा लिया दोबारा से निज्जर का, और उसको बोलते हैं, एक टेररिस्ट को बोलते हैं कि प्रोमिनेंट सिख लीडर, उसकी हत्या कर दी गई है। सर, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, अभी भी इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास एविडेंस है। ये एविडेंस जब भारत की गवर्नमेंट बोलती है कि अब दिखाइए, हम देखने को तैयार हैं, तो कोई भी एविडेंस सामने नहीं आता। 2 साल से या 1 साल 1.5 साल से यही राग वो गाते जा रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है, एविडेंस के नाम पे कुछ आता नहीं है। अगर एविडेंस है तो दिखाते क्यों नहीं? आप हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये क्यों बोलते हो हमारे पास एविडेंस है और हम मोदी जी के ऊपर ये तंज कस रहे हैं या इनके ऊपर ये केस करने वाले हैं? सो व्हाई नॉट कम अप विद द एविडेंस स्ट्रेट वे? ये प्लान है कि भारत में जो मोदी गवर्नमेंट है वो अभी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में चल रही है, मतलब वो भारत के इंटरेस्ट को पहला देख रही है। कनाडा चाहता है कि भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, और
कनाडा और इंडिया के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड रिलेशन भी है। यहाँ पे कम से कम मेरे ख्याल से भारत के अराउंड 2,50,000 स्टूडेंट गो टू कनाडा एवरी ईयर। तो वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियन स्टूडेंट जो आते हैं उनकी तरफ से जो फीस के थ्रू उनकी कमाई हो रही है। सेकेंड, इंडिया को वो सुअर की दाल भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी वो उसका भी इलाज ढूंढ लिया कि वो चाहते हैं कि डोमेस्टिकली उसका प्रोडक्शन चालू हो जाए जिससे हम कनाडा के इंपोर्ट पे हम डिपेंडेंट ना रहे। थर्ड, कनाडा के पेंशन फंड इंडिया में $50 बिलियन के पेंशन फंड जो है इंडिया की इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। तो एक बहुत बड़ा ट्रेड टाइस और इन्वेस्टमेंट टाइस चल रहा है। कनाडा की 600 कंपनियां इंडिया में काम कर रही है। तो इट्स मोर देन जो दिखता है उससे ज्यादा ही ये चीजें हैं। और सेकेंड, जस्टिन ट्रूडो के अभी उधर कनाडा में इलेक्शन हो रहे हैं, कनाडा में वो पॉपुलैरिटी खो चुके हैं जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट। जगमीत सिंह है, उन्होंने सपोर्ट खींच लिया है। उनको एक स्पेस सेविंग मेजर चाहिए, उनको दिखाना है कि ही इज वर्किंग टुवर्ड्स कैनेडियन इंटरेस्ट, जो कैनेडियन नेशनलिज्म है ही इज ट्राइंग टू इवोक दैट। तो एक सोची समझी कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी है जिसमें ISI भी इन्वॉल्व है। नहीं सर, मुझे अच्छी बताइए, जैसे ISI का नाम ले लिया आपने, मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि अगर आज खालिस्तानी हैं वो उनको पनाह दे रहा है कनाडा में, ट्रूडो मल खुद दे रहा है उनको पनाह, और पाकिस्तान में जैसे हाफिज सईद है, हमने वो दाऊद देखा, हमने इवन की ओसामा बिन लादन देखा, उनको वो पनाह देते हैं, हमने उनको FATF में डाल दिया पूरी दुनिया ने मिलकर, तो कनाडा जब इतने बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स को वो पनाह दे रहा है तो क्या इन्हें FATF में नहीं लेके जाना चाहिए भारत को? क्या वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहिए कि अगर पाकिस्तान डिजर्व करता है व्हाई नॉट कनाडा? देखिए, भारत से अगर देखा जाए तो कनाडा, भारत के पास वो पावर नहीं है अभी। भारत भले ही बोल ले पर सुनेगा कौन? सर बोले तो सही, बोला तो ही है भारत ने बहुत बार, हमारे डिप्लोमेट UN में जाके बोलते भी है, बट मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ होने वाला है इससे। अब क्या है, हमें फोकस करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक प्योनेटिव मेजर अगेंस्ट कनाडा। हमें तैयार होना पड़ेगा कि अगर इसको वो एस्केलेट करते हैं, वी शुड ऑल्सो एस्केलेटेड फर्दर। बैन करिए कि कोई भी इंडियन स्टूडेंट विल नॉट गो टू कैनेडियन यूनिवर्सिटी। खालिस्तानी जो रह रहे हैं उधर सपोर्ट कर रहे हैं कैनेडा में, उनके जो इंडियन एसेट्स है उनको सीज कर लीजिए, उनके OCI कार्ड को रिवोक कर दीजिए, उनके यहाँ पे बैंक अकाउंट सब फ्रीज कर दीजिए, उनका जो मल्टी एंट्री वीजा है वो खत्म कर दीजिए। ये सब एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। जब तक आप ये सब एक्शंस आप नहीं लेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। देखिए, न्यू डेवलपमेंट पार्टी है वो, अभी उनको मालूम पड़ गया है कि जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट नहीं आने वाली अगले इलेक्शन में, तो उन्होंने पहले ही अपना हाथ खींच लिया ताकि पब्लिक का एंगर जब हुए तो पूरा उसका इफेक्ट जस्टिन ट्रूडो पे आए। लेकिन सर एक चीज बताइए मुझे, हमें मालूम है कि इलेक्शंस के लिए स्टंट्स हैं, हम समझते हैं सारी चीज़ों को। ट्रूडो के ऊपर आपने बोला कि भी यहाँ पर जो कुछ कर रहा है वो हम उनके OCI कार्ड बंद कर दें, उनको सब कुछ कर दें, ये सारा कुछ तो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट कर चुकी है। वो बेचारे निज्जर हो, पन्नू हो, उनके रिलेटिव्स हो, उनके ऑपरेटिव्स हों, सबके हमने ये सारा कुछ बंद कर दिया था। आपको याद होगा कि डिप्लोमेसी में हमने इवन के कैनेडियंस को वीज़ा देना भी बंद कर दिया था। हमने ये भी बोला कि डिप्लोमेसी में जब आप कुछ करते हैं तो सामने वाला भी वैसा ही करता है। लेकिन कनाडा ने भारतीयों के जो वीज़ा थे उनको बंद नहीं किया। रीज़न था कि जितने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जाते हैं उसमें मेजॉरिटी इंडियंस होते हैं, और जो मेजॉरिटी वहाँ पे जो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ट्रूडो मल की फैमिली और इनके जो मंत्री हैं उन्हीं की चलाई हुई वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ ही बंद हो जाती। यानी कि एक तरफ तो उसे भारत का पैसा चाहिए
और दूसरी तरफ आंखें भी दिखानी है, क्योंकि मुंह काला कर दिया है मोदी जी ने, जयशंकर जी ने और सबने मिलकर। और यही बात है जो इनको हजम नहीं हो रही है, ये वही भारत है जो मोहन सिंह में जो रिमोट कंट्रोल वाली गवर्नमेंट थी वो हमारे यहाँ पे तलवे चाटते थे आकर, और मोदी जी हैं आँख में आँख डाल के बात करते हैं और सामने वाला नहीं मिलता तो आँख निकाल भी लेते हैं, और यही चीज़ें उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अभी लाओस में भी मीटिंग हुआ था, वहाँ पर भी उसने वही रोना गाया कि भाई आप हमारे यहाँ पर सिख लीडर्स को मारते जा रहे हैं, तो मोदी जी ने कहा पीछे हटे यार बदबू आ रही तरह से। ये वाली हालत है जो मोदी जी उसके साथ करते हैं ट्रूडो मल के साथ। क्या इसी चक्कर में वो बखलाया हुआ है कि यार मोदी जी मुझे भाव नहीं दे रहे, मैं इतना बड़ा कनाडा का फेल्ड लीडर, जैसे मोदी यहाँ पर हमारे यहाँ पर राहुल गांधी है बड़ी एंकड़ी में कि मैं 88 बार इलेक्शंस को हार चुका हूँ, उसकी उसके अंदर तेवर है, वैसा ही ट्रूडो मल के साथ भी है। देखिए एक कॉन्स्टेंटली एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू किल प्रोमिनेंट सिख रिप्रेजेंटेटिव इन कनाडा इन अमेरिका, ये बार बार बोला जा रहा है। और झूठ को जब बार बार बोला जाता है तो सच लगने लगता है। और हमें भी देखना चाहिए कि हमारे देश के कुछ यूट्यूबर और एंकर्स है वो इस बात को, कोई भी आदमी आके अभी बोल देता है कि somebody named by the name Lawrence Bishnoi, वो क्लेम कर रहा है कि उसके स्कूटर्स ने किया है। एवरीबडी वाज ट्राइंग टू गेन पॉपुलैरिटी, और उसको भी हमारे एक यूट्यूबर ने उसको एक बहुत बड़ा उसको ग्लोरीफाई भी किया। आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी डन। ओके द मैटर इज सब जूडिस, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। आपको इसके अंदर आपको देखिए आपका डायरेक्ट तार अभी उधर उन्होंने जोड़ दिए गृह मंत्री पर, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे अभी अमित शाह जी के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस भी डाल सकते हैं इनको एक इंटरनेशनल क्रिमिनल जैसे साबित करने के लिए, जैसे व्लादिमीर पुतिन के ऊपर किया है। तो वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, वो बोलते ना ग्रैंड स्टैंडिंग, हमें जरूरी नहीं है ये सब अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स को बड़ा चढ़ा के बोलने का कोई मतलब नहीं है। सर आप मुझे मालूम है आप जिनका नाम ले रहे हैं वो है मेजर गौरव आर्या। मैं खुद बड़ा सरप्राइज था कि आप कनाडा के जो वहाँ के जो मंत्री हैं उनकी जो लॉ एजेंसीज बोल रही हैं कि भारत के जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, आपने नाम दे दिया कि यस यहाँ पर जो बिश्नोई है, लॉरेंस जो बिश्नोई है वो इन्वॉल्व है। बिश्नोई तो खुद जेल में है सर, आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भाई यहाँ हमारा जो ये गैंगस्टर है वो जाकर कनाडा में हमारे लिए काम कर रहा है, यानी कि आपने कनाडा की लैंग्वेज को मोहर लगा दी। इट इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल फ्रॉम अवर पीपल। सब लोगों को यहाँ पे यूट्यूब मोनेटाइजेशन का भूत लगा हुआ है, दे वांट टू मेक सेंसेशनल क्लेम और इस तरह से उसको ड्रामेटाइज करके बोलते हैं विदाउट वेरीफाइंग एनी फैक्ट। एज अ रिस्पॉन्सिबल जो मेजर रह चुके हैं ही शुड नो व्हाट इज ही स्पीकिंग, how is the country is getting reflected at the international stage. We are not a terrorist country like Pakistan. We never shelter, we never go for extrajudicial killings at all. Ye sab unsubstantiated facts hai. Let me be very clear. The Indian government is working with agencies abroad. Unko bol rahe hain ki aap proof dikhaiye, but they are not able to show the proof. Wo proof bata nahi pa rahe. गलती उनकी है। हम प्रूफ दे रहे हैं कि ये हमारे आदमी ने किया है। टू मच, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम इंडियन यूट्यूबर्स। बस आपको देशभक्ति दिखानी है तो फिर रेस्पॉन्सिबल होके दिखाइए। आपको बड़े आप मैंने उनके चैनल्स भी देखे हैं, वो अपनी स्ट्रेटजीज मिलिट्री स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं। आप अपना माइंड ऑपोजिशन को कौन सा दे, आप क्यों अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी पाकिस्तान आर्मी को बताते हैं आप ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज ऑल दिस थिंग, देयर आर समथिंग कॉल्ड स्टेट सीक्रेट। सही है सर, वो उनका अपना मैटर है, आई रिस्पेक्ट व्हाट एवर दे आर डूइंग, ही मस्ट बी हैविंग हिज ओन रीजंस। सॉरी सर, दिस इज नॉट हिज मैटर एनी मोर। He claims to be the, he is the major of Indian Army, retired ham, but he has to act responsibly.
उनको कोट करके बोला जाएगा एंड वी वुड बी इक्वेटेड, वी वुड बी पेंटेड इन द सेम ब्रश एज अ पाकिस्तानी. आई डो नॉट वॉन्ट टू बी कंपेयर टू अ पाकिस्तानी. ठीक है, तो मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं मानता है. और बिल्कुल ठीक बात है. चलिए दोबारा से आते हैं कि जो ये कनाडा में हुआ है, निज्जर को मार दिया गया, मार गया, काम खत्म हो गया, और इसको ऐसे लंबा खींच रहा है ट्रूडोमल, जबकि काम बड़ा आसान था. आप अपने टूल किट जो भी आपने क्रिएट करनी है, आप प्रूफ देते हैं, हमें प्रूफ दे नहीं रहे हैं. सर, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो हरियाणा में जो इनको हार मिली है, जो इनका डीप स्टेट का पूरा प्लान था कि मोदी जी को घेरना है खालिस्तानियों के थ्रू बॉर्डर खोलने के बाद हरियाणा का, क्या आपको नहीं लगता उसकी मार जो इनको पड़ी है, दैट इज व्हाट इज इग्नाइटिंग दीज थिंग्स अगेन आफ्टर द हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट्स? डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द रीजन. आज आप अचानक देखिए कि सडनली ये निजर का चालू हो गया है. और सेकंड, मैंने ये भी बताया कि आरएसएस के खिलाफ जैसे ही 100वीं वर्षगांठ उनकी चालू होगी, उनके खिलाफ एक ग्लोबल कंसर्टेड कैंपेन होगा उनको डीमीन करने के लिए. दो तीन साल पहले डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व कैंपेन चला था. दिस इज समथिंग लाइक अ सिनिस्टर कैंपेन टू पेंट हिंदुइज्म, हिंदुत्व मार्केट लीडर लाइक मोदी जी, अमित शाह जी इन बैड लाइट. दिस इज सर्टेनली नॉट हैपनिंग. इनफैक्ट मैं को आप देख लीजिए, यूके इट्स अ सेंचुरी ऑफ ऑल द फाइनेंशियल टेररिस्ट अराउंड द वर्ल्ड. हमारे नीरव मोदी है, विजय माल्या है, उन सबको शरण दे रहा है यूके. हमसे इतना प्रूफ मांग रहा है, हमने इतने सारे प्रूफ देने के बाद भी एक्सट्राडिशन नहीं कर रहा है उनका. क्यों? वी हैव टू आस्क. क्योंकि उनका पैसा वहां पे इन्वेस्टेड है. यस, बिकॉज उनको पैसों से मतलब है, और वो पैसे सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनकी कंट्री में इन्वेस्टेड है, इसलिए उनको बाहर नहीं निकाल रहा वो. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर देयर. आप उनको एसिलम देते हैं, आप उनको उनका जो जुडिशियल प्रोसेस है वो उनको प्रोटेक्ट करता है. आप उधर तो कुछ बोलते नहीं है, लॉस आपका अलग अलग होता है, ये कैसे संभव है? वी हैव टू आस्क दिस कंट्रीज. आप देखिए, यूके भी चाहता है कि हमारे साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो, कनाडा भी चाहता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में चॉइसेस उनके हिसाब से हो. इंडिया को बेनिफिट दिए बिना दे आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम अस. दिस इज द ओवरऑल रीजन. अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि जो अभी ये सारा काम किया जा रहा है, हरियाणा में हार गए हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जैसे कनाडा भी इलेक्शंस आने वाले हैं, उससे पहले ये दो काम करना चाहते हैं? एक, इससे हो सकता है कि जो फार्मर्स की जो प्रोटेस्ट था उसको दोबारा से तूल दिए जाए, उसको सपोर्ट किया जाएगा, थोड़ा सा आपको हरकत दोबारा से पंजाब में दिखाई देगी. और सेकेंडली, जो अपोजिशन है उसको भी मुद्दा देना चाहते हैं महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले, क्योंकि महाराष्ट्र इज़ अ कैश काउ ऑफ इंडिया और वो फाइनेंशियल सेक्टर है. अगर वो कांग्रेस के हाथ में चला गया तो ये पूरा का पूरा इंडिया का ये इकोनॉमिकली भटा भटा देंगे. क्या ये इसीलिए भी ये काम किया जा रहे हैं? दो रीजंस सर पॉसिबल है, बट आई डोंट थिंक सो इसका कोई इफेक्ट आने वाला है. कनाडा के अंदर मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सिर्फ 2-3% ऑफ द सिख पॉपुलेशन है, हार्डली इट इज 3-4%. और उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है महाराष्ट्र में, ना उनका इम्पैक्ट है झारखंड में. वो ट्राई जरूर करेंगे कि आपको डीमिन करने का, आपकी इंटरनेशनल लेवल में आपकी आपकी जो रेप्यूटेशन है उसको धराशायी करने का, आपको पाकिस्तान के जैसे आपके कटघरे में लाके खड़े कर देंगे कि इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स टेररिज्म, इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स टेररिज्म. आपकी इमेज बिल्डिंग, जो इंडिया का सॉफ्ट पावर है, उसको कम करना चाहते हैं ताकि नेगोशिएशन टेबल पे दे आर एबल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट विच बेनिफिट्स देम. दीज आर ऑल आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक. आपको एक तरह से आपकी बाहें मरोड़ कर वो आपसे अपना काम करवाना चाहते हैं, और उसमें इनकी मीडिया इनके साथ है, और इंडिया की कुछ मीडिया भी इनकी इनके नैरेटिव को भारत में चलाते रहते हैं. भारत की ऑपोजिशन पार्टी तो लेगी, क्योंकि उसको बैठे बैठे एक मुद्दा मिल चुका है. मैं इसी की बात बोल रहा था कि जो महाराष्ट्र में सिखों की जो है वहां पे पॉपुलेशन नहीं है, दैट आई अंडरस्टैंड, बट उस इलेक्शंस में ये जो मुद्दा है कि देखिए कनाडा भी इनको टेररिस्ट बोलता है. और अगर आप नोट करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों,
कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर हर डॉट्स को जोड़ना जरूरी होता है। ट्रूडो मल ने आपके ऊपर यानी कि भारत के ऊपर अभी एलिगेशंस लगाने शुरू करे हैं। 3 दिन पहले खड़गे ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो बीजेपी लीडर्स हैं ये सारे टेररिस्ट हैं। यानी कि जो आज कांग्रेस ये ट्रूडो मल की गवर्नमेंट बोल रही है, 3 दिन पहले इन्होंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि बेवकूफों की पार्टी है, ये सारे के सारे प्लान्स पहले ही बोल देते हैं। यानी कि खड़गे को 3 दिन पहले ही पता लग गया था कि 3 दिन के बाद ट्रूडो मल क्या काम करने वाला है, और मोदी जी की गवर्नमेंट को, अमित शाह को टेररिस्ट डिक्लेयर करने वाला है, कांग्रेस ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। क्या ये दोनों चीजों को रिलेट करेंगे? आपको समझ नहीं आती ये क्या हो रहा है? सर जी, ये तो कॉमन बात है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कांग्रेस का जो अलायंस है वो सीसीपी के साथ तो था, अभी सीआईए के साथ भी है, आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट मंथ राहुल गांधी जी जाके आए थे यूनाइटेड स्टेट, तो एक तरह से टूल किट रेडी है इन लोगों का, और ये अटैक चलते रहेंगे। सिंपल है कि भारत की रेप्यूटेशन, सनातन की रेप्यूटेशन, हिंदू की रेप्यूटेशन, हिंदुत्व की रेप्यूटेशन, हमारे लीडर्स जो है, हिंदुत्व मैस्कट है मोदी जी, अमित शाह जी, उनकी रेप्यूटेशन को ध्वस्त करने की एक इंटरनेशनल साजिश है। ये सर आगे भी इसी के चलती लिए है। ये वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाया है आज, लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि जो आप सुन रहे हैं दैट इज नथिंग, बिहाइंड द सीन मल्टीपल इश्यूज हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर ये सारे काम किए जा रहे हैं ताकि भारत का नाम खराब हो, मोदी जी का, अमित शाह का नाम खराब हो, हिंदुओं का नाम खराब हो, और जितना हमारा नाम खराब होगा उतना ही ज्यादा खुशी इन लोगों को मिलती है जो बाबर की आखिरी औलादे हैं। इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं आपको कि इट इज नॉट अबाउट निजर एनी मोर, इट इज अबाउट भारत नाउ, और ये काम किया जा रहा है राहुल गांधी के साथ मिलकर। सर इवन अभी कनाडा के साथ चल रहा है, यू मे नॉट बी सरप्राइज इफ हमारे डिप्लोमेटिक टनल यूनाइटेड किंगडम के साथ भी चालू हो जाए। यूके में जो अभी सरकार है कीप स्ट्रैमर की, जो लेबर पार्टी है, उसका तो डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं वो इन कॉकरोचों का, जो पाकिस्तान के जो उनका जो मेयर है लंदन का, सादिक खान, पाकिस्तानी ऑरिजिन। आगे जाके यूके के साथ भी हमारे पंगे हो सकते हैं। ये देखिए, एक वेस्ट को एक और एक चीज हो रहा है कि वो भारत को आर्म ट्विस्ट कर रहा है। अभी आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कजान में समिट हो रही है, ब्रिक्स की समिट, वहां पे नया ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम आ रहा है, इसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस विल बी सेटल्ड बायलेटरल इन इन सेम इन द करेंसीज ऑफ ब्रिक कंट्रीज, जिसके कारण डॉलर का जो प्रोमिनेंस है वो कम हो जाएगा। आज डॉलर के अंदर आपको अगर $200 अगर आप कन्वर्ट कराते हो, आपको 12.50 रुपए देना पड़ते हैं, $12.50 देने पड़ते हैं, 6.25% कन्वर्शन कॉस्ट होता है। ये सारी कमाई अमेरिकन बैंक को नहीं मिलेगी। एक बहुत बड़ा ग्लोबल षड्यंत्र है इसके पीछे। सर मुझे एक चीज बताइए, अगर कनाडा को खालिस्तानियों से इतना ही प्यार है, अमेरिका को इतना प्यार है, तो मैंने तो एक चैनल पे जाकर बोला भी था कि भाई इनको हमेशा ही टू नेशन थ्योरी बड़ी अच्छी लगती है, भारत में इन्होंने टू नेशन थ्योरी के चक्कर में पाकिस्तान और भारत बना दिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बना दिया, जर्मनी में ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी बना दिया, चाइना और ताइवान बना दिया। भी अगर आपको टू नेशन थ्योरी इतनी ही अच्छी लगती है दूसरों के कंट्री में जाकर, आप एक काम कीजिए, आधा कनाडा तो खाली है, खाली जगह पे खालिस्तान बना दीजिए, और अमेरिका में भी खालिस्तान बहुत हैं, तो अगर आप अमेरिका का बॉर्डर जो है और चाइना कनाडा का जो बॉर्डर है उसमें थोड़ी थोड़ी जगह लेकर आप खालिस्तान बना सकते हैं सर, दो कंट्रियों में खालिस्तान बन जाएगा, जगह खाली है खालिस्तान बन जाएगा, खालिस्तानी भी खुश, अमेरिका भी खुश, और उसका प्रधानमंत्री आप पन्नू को बना दीजिए, कौन रोकता है आपको? आप बनाइए वहां पर टू नेशन थ्योरी सर, व्हाई नॉट इंप्लीमेंट ऑन योर सेल्फ एंड वॉक द टॉक। सर उसके अलावा एक और एक काम कर सकते हैं, जो कनाडा में क्यूबेक सेपरेटिस्ट है, जो उधर से अलग से देश की मांग कर रहे हैं,
भारत उनको यहाँ पे असलम दे सकता है, वहां पे इनको पोस्टर्स बनाने दे सकता है, इनकी यहाँ पे इनको राजनीतिक शरण देके इधर यहाँ पे एक उनको एक तरह से डेस्क दे सकता है। हम भी क्या हमें भी कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना चाहिए। वहां पे एल्बर्टा करके वहां पे बहुत सारे ऑयल गैस फील्ड है, उधर भी चालू हो गया है सेपरेटिस्ट मूवमेंट। अमेरिका में चल रहा है, टेक्सास चाहता है कि अमेरिका से अलग हो जाए। यूके है, यूके से स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड बोल ही रहा है कि मुझे उसको यूके से बाहर जाना है। तो हमें भी तो एक सर, तरह से जो ये सेपरेटिस्ट हैं इनके नंबर ढूंढते हैं, और जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपके पास किसी के पास भी कोई भी ऐसे बंदों के नंबर हैं, आप प्लीज कांटेक्ट कराइए हमारा, हम लोग उसकी वॉइस बनेंगे। लेट अस स्टार्ट दिस मुहिम कि इन लोगों को अगर खालिस्तान से इतना प्यार है तो हमें भी क्यूबेक से प्यार आज से हो गया है। जरूर हमें भी क्यूबेक सेपरेटिस्ट के साथ खड़े रहना चाहिए। वी ऑल्सो शुड स्टैंड विद द क्यूबेक सेपरेटिस्ट एंड दे सीक इंडिपेंडेंस फ्रॉम कैनेडा। और कैनेडा का विघटन भी हमें चालू कर देना चाहिए। वी शुड सपोर्ट ऑल सॉर्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट विच आर हैपनिंग इन द वेस्ट, भले ही टेक्सास का हो सर, अमेरिका से या भले ही स्कॉटलैंड का हो यूके से। अगर आप करोगे सर तो बिल्कुल सही बात है। हमें भी ऐसा ही रेस्पॉन्स देना जरूरी है। और ये मुहिम हम लोग शुरू करते हैं, चलिए कि इनके कंट्री में अब ये टू नेशन थ्योरी इन्हीं के कंट्रीज में इंप्लीमेंट करवाते हैं और खालिस्तान भी वहीं बनवाते हैं सर, ताकि वहां पर भी हम देखें कि टू नेशन थ्योरी जो इतना सक्सेसफुल फॉर्मूला है इनका, पाकिस्तान और भारत देखिए कितने प्यार से रह रहे हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया भी बहुत प्यार से हैं, चाइना ताइवान कितना प्यार से हैं, अभी इन्होंने बोल दिया पैलेस्टीन और इसराइल भी टू नेशन थ्योरी। मुझे लगता है कि टू नेशन थ्योरी पहले तो स्कॉटलैंड और यूके का होना चाहिए, उधर से कनाडा और अमेरिका के बीच में एक खालिस्तान बनाकर पन्नू को प्रधानमंत्री बना दिए, ताकि सारी दुनिया की प्रॉब्लम जो है सिखों की, तो सिखों की सॉरी, मैं खुद पंजाब से आता हूँ, सिख इनके साथ नहीं है। ये रेफरेंडम करवाया था पन्नू पकौड़े वाले ने, हुआ क्या था उसमें 2000 लोगों ने पूरे दुनिया से उसको सपोर्ट किया था, 2000 पीपल इन द होल वर्ल्ड। ये तो हालत है इस सिख की, इस खालिस्तानी की, और खालिस्तान हम अमेरिका और कनाडा में ही बनाकर देंगे इनको, आप वरी मत कीजिए। और क्यूबेक के साथ भी हम खड़े होते हैं और ये मुहिम हम शुरू करने वाले हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं भारत में आता हूँ ये ट्रूडो मल कभी भी कोई काम नहीं करता, वरना इनकी एम्बेसी के बाहर जाकर इसके झंडे को लेकर फुटबॉल में लपेट कर मैं खुद वहां पे फुटबॉल खेलने वाला हूँ। लेकिन जब मैं भारत को छोड़ के आ जाता हूँ, इसके बाद इंफॉर्मेशन आती है कि सुमित जैन अब वापस चला गया है, उसके बाद ये काम करता है। अगर मेरे होते हुए करे तो मैं इसके वहीं पर इसकी पेंट उतारने वाला हूँ। कोई बात नहीं, अगली बार सही, ये भी सीधे सीधा होने वाला नहीं है और हम तो वैसे ही सीधे नहीं है। थैंक यू सर, जैसे आपने समझाया पूरा इसको, अब क्यूबेक की मूवमेंट हम शुरू करेंगे, इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और मैं तो, मेरी बदकिस्मत ये है कि मैं इस कंट्री में रहता हूँ यहाँ पर मैं ये चीज़ें अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पर भी इनकी एम्बेसी के बाहर ये काम करके आता, बट यहाँ पर अलाउड नहीं है। भारत में कर सकते हैं, बट भारत में ये तब करता है जब मैं नहीं होता हूँ। तो अगली बार सही, छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ, क्यूबेक मूवमेंट के ऊपर हम लोग खड़ेंगे और खालिस्तान भी कनाडा में और अमेरिका में बनाकर ही छोड़ेंगे। अब इनको खालिस्तान पन्नू को सपोर्ट हम करेंगे खालिस्तान देने में, वो भी कनाडा के अंदर। थैंक यू सर, जय हिंद। एंड आई होप जो लोग सुन रहे हैं आज, आपको समझ आ गया होगा कि मुद्दा क्या है। मुद्दा भारत है, हिंदुत्व है, हिंदू है, कांग्रेस को सपोर्ट करना है, और जो अभी आंसू आ रहे हैं हरियाणा हारने के बाद, क्योंकि डीप स्टेट का जो पूरा प्लान था बांग्लादेश वाला वो भारत में करने का, वो चौपट हुआ दिखाई देता है, इसलिए थोड़ी सी पिछवाड़े से हवा निकल रही है। निकलने दीजिए, अपनी ही गैस खुद ही सूख रहे हैं, हमारे पास तो आ नहीं रहे, हमने तो अपना डिप्लोमेट भी बुला लिया है। तो सर थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू वंदे सर, जय मातरम। श्री राम।